आप तमाम नाज़रीन का टीएन टीवी न्यूज़ में खैर मकदम है, ये नज़र डालते हैं आज की अहम खबर पर। टीआरएस कायद मोहम्मद मोहसिन खान की क़यादत में एक वफ्द आज कोड़ंगल पहुँच कर मासूम शहीद रजा खान के लवाहिकीन को पुरसा दिया। इस मौके पर मोहम्मद मोहसिन खान वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से फ़ोन पर मरहूम के वालिद से बात करवाई। वज़ीर दाखिला ने मरहूम के वालिद को इत्मीनान दिलवाया कि उनके साथ इंसाफ ज़रूर होगा और फास्ट ट्रैक के ज़रिए खातिल को फांसी की सज़ा दिलवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। इस मौके पर मुकामी अवाम ने मोहम्मद मोहसिन खान को बताया कि जिस तरह मासूम रजा खान को शहीद किया गया है, इससे अब भी कोड़ंगल की अवाम में खौफ व हरास का माहौल है और जब तक खातिल को फांसी की सज़ा नहीं मिलती अवाम को चैन नहीं आएगा। इस मौके पर टीआरएस कायदीन हाफिज इदरीस सिराजी, मिर्ज़ा खुद्दूस बेग, सदर मुस्लिम लीग मोहम्मद जहांगीर, टीआरएस यूथ लीडर मुकामी टीआरएस कायदीन गौस मोहम्मद यूसुफ व दीगर मौजूद थे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शीशा वगैरह, ताया वगैरह, और यहाँ गौसन साहब हमारे टीआरएस के, और तकरीबन महिले यहाँ के गांव के तकरीबन लोग सैकड़ों लोग हैं साहब। तो आपसे उम्मीद लगाए हैं कि बच्चे के बारे में कुछ इंसाफ हो, जैसा डॉक्टर दिशा के लिए आप लोग इंसाफ कर रहे थे, वैसा ये इनके खातिल को भी सजा होना बोल के लोग उम्मीद रखें। तो मेरे साथ हाफिज इदरीस साहब, तकी हुसैन साहब भी है और खुद्दूस बेग साहब भी हैं, जहांगीर भी हैं। हेलो साहब, बच्चे के वालिद साहब से बात करो साहब। आपका नाम? अजमतुल्लाह। अजमतुल्लाह खान साहब जी, ले बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। बहुत अफसोस की बात है जो हुआ। लेना साहब वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल के एक्शन लेना, फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल। साहब बहुत बहुत गलत हुआ साहब मेरे बच्चे के साथ, बहुत गलत हुआ साहब। मेरा बच्चा हाफिज था, हाफिज बन रहा था साहब, आधा पारा चालू कर लिया था साहब। दिलाना साहब, सख्त सख्त दिलाना साहब। एक वो तो लोकल में सबको, आज मेरे बच्चे के साथ हुआ, कल किसी और बच्चे के साथ नहीं होना साहब। किसी ये मेरा एक गांव है साहब, अतराफ के गांव के जितने भी बच्चे हैं ना साहब, छोटे छोटे बच्चे आते साहब कोड़ंगल को पढ़ने, और वो बच्चे कैसा जाते हुए तो बसों में अकेले जाते रहते। तो बस एक ऐसा सीसीटीवी कैमरे लगाकर इंडिया में नंबर वन स्टेट अपनी है, ऐसे लोग जो जुर्म करने वाले उनको सब सजा देंगे। इंशाल्लाह साहब, आपसे उम्मीद है साहब के उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में दलाना साहब आप लोग का। फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस दला के ठीक है, मैं खुद भी मिलूंगा आपको इंशाल्लाह, मैं खुद भी मिलूंगा आपको ठीक है। कोड़ंगल वाकया, 11 साल मासूम लड़का रजा खान वल्द अजमत खान साकिन कोड़ंगल का जो कत्ल हुआ है, बदकिस्मती से एक मासूम बच्चे की जान चली गई। एक मासूम बच्चे की जान सारी इंसानियत का कत्ल है, और इस कत्ल के जिम्मे जो जिम्मेदार है, हम हुकूमत से और क़ानून से ये मुतालिबा करते हैं कि खाती को सख्त से सख्त सज़ा दें और फांसी पर फांसी की सज़ा देना चाहिए। ऐसे खातिलों को, कौम दुश्मन, क़ानून दुश्मन अनासिर को जो खुलेआम घूम रहे हैं और इनके दिलों में क़ानून का गिरफ्त नहीं है, क़ानून का कोई खौफ नहीं है इनके दिलों में, यकीनन ऐसे लोगों को सख्त से सख्त क़ानून सख्त से सख्त सज़ा देते हुए हम देखना चाहते हैं कि क़ानून के कटघरे में खड़े ये 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 खातिल ये अपनी ज़िंदगी की भीख मांगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हालिया कोड़ंगल में जो शर्मनाक वाकया, दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया है, इसकी चाहे किसी भी मज़हब के इंसान हो, हर कोई इसकी मजम्मत कर रहा है। ये बहुत दिल दहलाने वाला वाकया है। सबसे पहले मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह लड़के के वालिद को, वालदा को और ख़ानदान वालों को सब्र जमील अता फरमाए। लड़का तो मासूम था, शहीद की मौत मरा है,
लेकिन वालिदैन पे जो गुजर रही है वो अल्लाह ही उनको सबर दे, अल्लाह ताला उनको नेमल बदल इसका अता फरमाए, अल्लाह से ये दुआ है। और साथ ही हुकूमत तेलंगाना से, ये हमारा मुसलमाना ने तेलंगाना का मुतालिबा है कि ये जो वाकया पेश आया है इसके लिए हुकूमत ऐसा इकदाम करे कि आइंदा किसी भी लड़के की मासूम के साथ ऐसा वाकया ना हो। और लड़के के वालिद का भी यही मुतालिबा है, मेरे बच्चे के साथ हो गया है, लेकिन आइंदा किसी भी हमारे भाई के साथ या हमारे बच्चों के साथ ऐसा वाकया ना हो। हुकूमत से और हम महमूद अली साहब होम मिनिस्टर से ये मुतालिबा करते हैं और उनसे उम्मीद भी रखते हैं कि इस वाकये पे उन्होंने खुसूसी तवज्जो लेकर और पुलिस के आला ओहदेदारों तक पहुंचकर जो है वालिद को के साथ उनके लड़के के साथ जो नाइंसाफी हुई, जो कत्ल हुआ है, उनको जो है कानून के तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस को चलाकर मुजरिम को सख्त से सख्त सजा दे। खुदा हाफिज। मैं मोहसिन खान, टीआरएस माइनॉरिटी सेल, महबूब नगर जिला। आज हम कोड़ंगल में जो दिल दहलाने वाला वाकया हुआ है, रजा खान नामी लड़का जो 11 साल का लड़का था उसका कत्ल हुआ था, इसकी इतला जैसे ही होम मिनिस्टर साहब महमूद अली साहब को, तेलंगाना के होम मिनिस्टर साहब महमूद अली साहब को इतला होने के साथ ही उन्होंने आईजी साहब से बात कर पूरे डिटेल्स लिए, यहाँ के एसपी साहब से भी बात करे और उसके बाद हमारे को हुक्म दिए कि जाके आप लोग बच्चे के माँ बाप से हमारे को बात कराओ। मैं उनको हिम्मत देता हूँ ये केस फास्ट ट्रैक में चढ़ाकर खातिल को जल्द से जल्द और अच्छी सजा देने की दिलाने की कोशिश करेंगे बोल के बोले हैं। तो उनके हुक्म के मुताबिक हम कोड़ंगल आए थे। मेरे साथ मेरे वफद में तखी हुसैन साहब हैं और हाफिज दीदी साहब हैं और मिर्ज़ा खुद्दूस बेग साहब हैं, मुस्लिम लीग के महबूबनगर ज़िले के सदर, और जहांगीर साहब है। यहाँ पर हमारे गौसन साहब है टीआरएस के हमारे, और वो काउंसलर साहब हैं और बाकी पूरे गांव के सब लोग हैं और बच्चे के वालिद साहब हैं अजबतुल्ला खान साहब, उनके ताया हैं, उनके चीचा हैं, इनसे बात हुई और मैं होम मिनिस्टर साहब से भी आपकी बात कराया। आप होम मिनिस्टर से बात करें, आप भी अपनी अपना मारूदा रखें कि वो उसको सख्त से सख्त सजा देना बोल के। तो मिनिस्टर साहब महमूद अली साहब वादा करे हैं इंशाल्लाह सख्त सजा दिलाएंगे बोल के, और उनके मुताबिक उनके हुक्म के मुताबिक हम ये काम मुकम्मल करें। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उस लड़के को जन्नत में आला से आला मुकाम नसीब अता फरमाए, उनके अहले खाना को, पूरे खानदान वालों को सब्र जमील अता फरमाए। मोन्ना शनिवार रोज जगह संघटन मेमंदर मुक्त कंठ तो खंड इंटर चर्क पापड़ी व्यक्ति फास्ट ट्रैक कोर्ट वैसी 6 ना आयन को उशिशनि डिमां इपड़े पेदू जिलाध्यक्ष मन मुस्लिम लीग मोहसिन खान साहब गार इपड़े माटन जरिए मोहम्मद अली साहब होम मिनिस्टर गारो माटन जरिए मोहम्मद साहब रूम रोजू मंदिर रम्मन खचिता यह विषयानी चाहे सीरियसकोनी फास्ट ट्रैक कोर्ट वैसी आयन को कानून प्रकार खचिता शिक्षिस्टा ची आने आगे जरिए अंदमनी कोड़ंगल प्रजलु अंदर कुछ अप्रमत्तमै इटुवंटि चीड़पुरुगुल्नि। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं सुल्तान मोहिउद्दीन गौसन कोड़ंगल से। जो वाकया परसों रजा खान साहब, रजा खान बल्द मोहम्मद अफरोज खान साहब के बच्चे का जो वाकया हुआ, इसकी हम सख्त मुज़म्मत करते हैं और हुकूमत और हमारे वखराबाद डिस्ट्रिक्ट के एसपी कोटी रेड्डी साहब से गुजारिश करते हैं कि वो इस केस में ज़्यादा दिलचस्पी लें और ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी लेकर ऐसे वाक़ात को सख्त दबा दें। जैसे कि हमारे कोड़ंगल में जज साहब आए जिसके डर को आज उसके सामने दवाखानों के सामने कहीं भी होंगे बयान बाजा 12 बजे के बाद नहीं बसता, क्योंकि उसकी सख्त कानून की वजह से लोग इसको समझने के खिलाफ। लेकिन हुकूमत भी अगर पुलिस भी इस तरह कानून को टाइट कर दी तो आइंदा इस तरह के वाक़ात नहीं होते।
हम पुलिस से कोतवाली साहब एसपी साहब से खास तौर से गुजारिश करते हैं कि इस वाकये पर सख्त से सख्त सजा दें उस कातिल को। मैं आज टीआरएस वफद के साथ कोड़ंगल में जनाब अजमतुल्लाह खान साहब के मकान में मौजूद हूँ। अजमतुल्लाह खान साहब वो हैं जिनके लड़के रजा खान को कल शहीद कर दिया गया था दो दिन कबल एक अजय नामी शख्स की जानिब से। सारा तेलंगाना इस मामले पर गमजदा है और टीआरएस के कई कायदीन यहाँ तक के वजीर दाखिला महमूद अली ने भी इस पर अपने गम गुस्से का इजहार किया और उन्होंने हिदायत दी थी जनाब मोहसिन खान जो टीआरएस के महमनगर के कायद हैं उनको हिदायत दी थी कि वो यहाँ पहुँचे और उनके वालिद और दीगर कार्यकर्ता के साथ बात करें। मैं भी वफद में शामिल था। आज मोहसिन खान ने यहाँ पहुँच कर अपने फ़ोन पर जनाब महमूद अली साहब से लवाकिन से बात करवाई और महमूद अली साहब ने भी ये खानदान को तयखुन दिया कि वो इस मुकदमे को फास्ट ट्रैक में ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे और खाती को फांसी की सजा दिलवाने के लिए वो मुमकिन इकदाम करेंगे। और यहाँ पर भी जो वफद आया है वफद का भी यही इससे दुआ है कि पुलिस इस मामले को संजीदगी से ले और ये मामला किसी एक तबके के बच्चे का नहीं बल्कि हो सकता है कल किसी और तबके का बच्चा भी इसे मुतासर हो सकता है। लिहाजा कल को भी इस तरह का वाक़ा ना हो। खुद मरहूम के वालिद का भी कहना है कि आज मेरा बच्चा हुआ कल किसी और बच्चे के साथ ना हो। लिहाजा इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सख्त से सख्त दिलाने की कोशिश की जाए और इसको कोई कम सजा नहीं बल्कि इसको फांसी की सजा अगर दिलवाई जाए तो हो सकता है कि आइंदा भी चलकर इस तरह से जो लोग जहन में इस तरह के ख्याल रखते हैं वो लोग भी इससे खौफज़दा हो सकते हैं और आइंदा ऐसे हालात पैदा नहीं होंगे। लिहाजा यहाँ पर जमी हजरात का भी यही मुतालबा है और जो वाली बच्चे के वालिद उन्होंने भी महमूद अली साहब से गुजारिश की है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए इन्हें ये जो खाती है जो खातिल है इसको सजाए मौत दिलवाई जाए। वीडियो जर्नलिस्ट हुसैन के साथ मैं मुंतखब हुसैन, टी9 टीवी न्यूज़।